ये जो तुम्हारे देह में जोश है ना, ये सब 2 दिन बाद भूखा भेड़िया लोग तुम्हारा देह नोच खाएंगे, तब तुमको समझ आएगा। वो तो हम यहाँ से अनछुआ लड़की को भेजते हैं, वरना ये लोग तुमको छोड़ता नहीं, समझी? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। मामा छोड़ो, मामा हम हैं तुम्हारी बहन निमकी, तुम अपना घर में हो मामा। मामा छोड़ो, मामा साथ हम हैं। दादी का फोन। दादी हेलो। ए मिंटू कैसा है रे? दादी दादी हम एकदम ठीक है, तुम कैसी हो, कहाँ हो, कब आ रही हो वापस? तुमको बहुत याद आ रहा है दादी तुम्हारा। हम भी तुमको बहुत मिस कर रहे हैं मिंटू। हम जल्दी आ जाएंगे। अरे वृंदा की तबीयत खराब थी ना, इसलिए तुमको छोड़ के हमको यहाँ आना पड़ा। हम तुमको बता भी नहीं सके। कैसी है तुम्हारी सहेली वृंदा? तबीयत ठीक है या हम आए वहाँ पर? नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी उसकी तबीयत ठीक है। पिंटू हम तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे। हम भी तुमको बहुत मिस कर रहे हैं मिंटू। अरे वो अनरिया को तो झेल सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मिंटू। हम जल्दी आएंगे। और मिंटू एक बात बताए, जब भी तुम्हारी याद आती है ना, हम रोने लगते। अब जो भी मुसीबत आएगी ना मिंटू, हम साथ में झेल लेंगे। जब तक हम नहीं आते ना मिंटू, तुम अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पे खाना। बस दादी अब हमको भी रुलाएगी का? मिंटू तुम रोना मत, हम जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना मिंटू। तुम भी दादी। ओके बाय, लव यू मिंटू। फिल्मी पना नहीं जाएगा ना तुम्हारा कभी भी। बाय, लव यू टू। जल्दी आना दादी। देवर जी, क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश दिख रहे हैं आप। कोनो लॉटरी लगा है का? लॉटरी वाला ही तो बात है। हाँ दादी का फोन आया था अभी, वो वापस आ रही हैं। भाभी हम आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। हाँ तो मत बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा ये सब बात छोड़िए, हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए आपका निमकी से तो बात होता रहता होगा, तो आप उसको ये बात पहले ही बता दीजिए, नहीं तो वो फिर बाद में किच-किच करेगी। हाँ भाभी आप किस बारे में बात कर रही हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे देवर जी जो बात हम बोलने आए थे अभी तो बोले ही नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो बोलिए ना। हाँ हम बोल रहे थे, हमारी जो सासू जी है ना, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है देवर जी। कहाँ गड़बड़ है? उनका ना रंग ढंग दोनों ही बदला बदला सा लगता है, जैसे कुनो तूफान के आने के पहले वाला जो खामोशी है वो है उनका। अभी आप भी तो ध्यान नहीं दी, कहाँ जरूरत था उनके पति के बारे में बोलने का? हम कहाँ कोई बात शुरू की, वही ना बात शुरू की पहले। हाँ नहीं तो, अरे वही बोली हमको, अरे हमसे कहने लगी कि कहाँ है हमरे मल्लिका कहाँ है, तो हम भी बोल दिए। और आप तो हमारा नेचर जानते ही है ना, हम झूठ कहाँ बोल पाते हैं, जब भी मुंह खुलता है सच ही तो निकलता है। अरे देवर जी बचपन का आदत है हमारा, अब इतना आसानी से थोड़े ना जाएगा। जब भी बोलना शुरू करते हैं ना तो बोलते ही रहते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता है। पर आप हमारे कंट्रोल के बारे में छोड़िए देवर जी, और आप ये सोचिए कि हमारी सासू जी को कैसे कंट्रोल में करेंगे आप। हमेशा कोनो सोच में डूबी रहती है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा बब्बू नहीं, हमारा मिंटू है मिंटू, और हमरे मिंटू से हमको कौन अलग नहीं कर सकता। अगर ये सच में हमारा बब्बू है तो खांसने लगेगा, काहे कि मेथी से उसको एलर्जी। Oh, my God.
मतलब तुम्हारा वजह से अमृत दादी घर छोड़ के गई है? कहा कि अमृत दादी के साथ बता, नहीं तो मार देंगे जान से। बोल तो तुम्हारा ये बब्बू सिंह, इको तो हम मिंटू सिंह के नाम से जानते हैं। अनारो देवी जी, ये आपका बेटा बब्बू नहीं है, ये मिंटू सिंह है। वो निमकी आपके साथ कल भी धोखा की और आज भी धोखा कर रही है। वो आपके साथ खेल रही है। वो मिंटू सिंह को आपका बेटा बब्बू बता रही है। ये बात समझिए और आगे आपके साथ कोनो धोखा ना हो ये बात के लिए सतर्क हो जाइए। हम आपको सच बता रहे हैं। महुआ बेटा देख तो हम का बनाए हैं, गाजर का हलवा बनाए हैं। तन खा के बताओ तो हम चीनी डाले हैं कि नहीं है, चीनी कम है कि ज्यादा है। खा तो बेटा, खा ना महुआ। महुआ सुनो ना, हमको समझ नहीं आ रहा है, ई वाला कमीज के साथ हम ई दुपट्टा ले कि ई दुपट्टा ले। अरे महुआ, हम तुमको बताना तो भूले ही गए थे, सलमान खान का बहुत बढ़िया फिल्म लगा है महुआ, चलो देख कर आते हैं। अरे बढ़िया फिल्म है, गाना वाना सब हिट है उसका, फिल्म भी अच्छा है, सलमान खान अच्छा काम भी किया है। अरे इसको तो पसंद है सलमान खान। बताओ, अच्छा देखो ये पुराना कपड़ा पहन कर बैठी हुई है महुआ, जाओ अंदर से नया कपड़ा पहन कर आओ, तैयार हो जा जा। बस करो तुम लोग। क्या लगता है तुम लोग को कि सब करोगे तो हम सब कुछ भुला के हंसने लगेंगे? तुम लोग को पता भी है कि क्या हुआ है हमारे साथ?